ग्राम प्रधान व सचिव का काला कारनामा बदौसा पर छाव के ग्राम प्रधान हरिओम सोनकर व सचिव का काला कारनामा सुनिए जनता की जुबानी। बांदा से टॉप न्यूज संवाददाता के गुप्ता की रिपोर्ट। कौन सी जगह? क्या नाम है आपका? हमारा रन्नो नाम है। रन्नो जी, आप कई कौन सा गांव है? ये बरछावा बदौसा है। इसका प्रधान कौन सा है? हरिओम सोनकर। अच्छा, क्या प्रधान की क्या शिकायतें हैं? हमारी सर ये शिकायतें हैं प्रधान की कि हम लोग को गल्ला भी नहीं मिल पाता है। जहाँ तक जिनके लाल कार्ड बने हैं उनके लिए गल्ला नहीं है, और जाके जो बड़े बड़े लोग हैं उनके लिए पूरा गल्ला दिया जा रहा है। सर, हमारी ये समस्या कि हम जो लाल कार्ड है, हम जो पास है, हमें पूरा गल्ला मिला है, और बकाया इसकी शिकायत हम नहीं कर सकते हैं। और ये भी है सर कि जो मतलब नाली है ये नाली बनाया जाए और ये रोड भी बनाया जाए। ये बताइए रन्नो जी कि कॉलोनियों में पता चला है कि आपका जो प्रधान है कॉलोनियों में पैसा ले रहा है क्या? जी ले रहा है। कितने पैसे ले रहा है? 10,000 से 15,000 तक। 10,000 से 15,000 रुपए ले रहा है? जी ले रहा है। ये इसके जानकारी है आपको? कंफर्म? जी है जानकारी। इसलिए जानकारी हुई है कि हमारे सामने जो दिनेश रहता है उससे मांगा गया था पैसा, पैसा ना देने के कारण उसकी आवाज काट दी गई, वो अभी यहीं पे मौजूद खड़ा है दिनेश। अच्छा, हाँ ये बताएं कि आपके यहाँ ये शौचालय है कि नहीं है? जी बहुत कम शौचालय हमारे यहाँ है। शौचालय बहुत कम है? जी बहुत कम है। जिनकी सयान लड़कियां हैं उनके लिए कहा भी जाता है कि प्रधान जी शौचालय दीजिए, सचिव से भी कई बार कहे हैं, लेकिन ना तो सचिव सुनता है और ना तो प्रधान सुनता है। तो इसके लिए अभी कहाँ जाती हैं सब लोग? हम लोग गए हैं 3-4 बार बांदा गए, सबकी एप्लीकेशन हमारे पास है। शौचालय के लिए मैदान कहाँ जाती है? बाहर जाते हैं। बाहर जाती है? कितनी दूर है लगभग? अब यहाँ से अब बहुत दूर पड़ जाता है सर, 2-3 किलोमीटर पड़ता है। बड़ी दिक्कतें हैं? बड़ी दिक्कत है सर। अच्छा, यहाँ पता चला है कि रोड भी नहीं बनवा रहा आपने? नहीं, 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 नहीं बनवा रहा है। पानी काफी बह रहा है? पानी काफी बह रहा है सर। थाने में भी एप्लीकेशन देने गए थे। ये सालों भर पानी बहता रहता है? सालों महीना बहता रहता है, साल भर से बहाने लगे, पहले नहीं बहता। आप क्या किस पद में है? किसी संगठन चलाती है क्या? कोई मजदूर यूनियन का संगठन चलाती है? मजदूर यूनियन की आप नेता है? ठीक है, धन्यवाद। बोलो तुम, बोलो जैसे तुमसे प्रधान ने जो कहा हो। आप ये बताओ क्या नाम है आपका? दिनेश। दिनेश जी, आपको कॉलोनी मिली थी? जी नहीं थी सर, लोगों का फॉर्म में जो है एक आदमी मेरा नाम काट दिया गया है। क्यों काट दिया गया है? 10,000 रुपए न देने पर काट दिया गया। पैसे मांग रहे थे कि 10,000 रुपए दे दो? 10,000 रुपया नहीं दिया तो काट दिया? सर मेरे पास है नहीं था पैसे, तो कहाँ से? अभी तक जो दिक्कत है बोला। हाँ, दिक्कत है ना, देख लो। क्या जो का थी? क्या नाम है आपका? सचिन। कहाँ रहते हैं? बदौसा। बदौसा में? तो क्या दिक्कत है कॉलोनी में? आपको क्या हुआ? कॉलोनी आपको नहीं दी गई क्या? हमारी कॉलोनी नहीं दी गई है, और प्लस हमारे मम्मी खत्म हो गई है, वो गल्ला। कॉलोनी में कितने पैसे मांगे गए? कॉलोनी में 10,000 रुपए मांगे गए। सही मांगे गए कि आरोप लगा रहे हैं आप? आरोप लगा रहे हैं और क्या? हम बताएं सर जी, हम बताएं सबसे मेन समस्या नाली की है। ये पानी नहीं, नाली की समस्या है, नाली। ये देखिए यहाँ जो है ना, तो कोई नाली है ना कोई व्यवस्था है, और ये सालों भर यही व्यवस्था रहती है। आप किसी को बना दिया है यहाँ लोगों ने, परंतु किसी भी प्रकार की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। पूरी तरह से जो है, पूरी तरह से यहाँ पानी भरा हुआ है। देखिए यहाँ आने जाने में दिक्कत है, किसी प्रकार का कोई यहाँ नाली नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। प्रधान है यहाँ पर, किसी प्रकार का कोई विकास नहीं हो रहा है। ये देखिए यहाँ से एक्सीडेंट हो गया, व्यवस्था गड़बड़ है। अभी कोई बरसात नहीं है, कोई समस्या नहीं है, इसके बाद भी यहाँ पानी भरा रहता है 24 घंटे 12 महीना आता है। आप इसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे? इसलिए कि नाली आज के साइड में नाली दोनों तरफ बन जाए, बड़ी अच्छी से रोड बन जाए, बीच में ऊंचाई हो जाए। आप लोगों ने प्रधान से कहा? कई बार कहा, वही करवा देते हैं, नाला बह के आ जाता है।
ये साफ करवा दे, पक्की नाली नहीं बनती, यहाँ पर कच्चा है ना पूरा, सब यहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है, मोटरसाइकिल गिर जाती है, बच्चे गिर जाते हैं, हम लोग हैंडपंप से पानी भर के लाते हैं, बहुत दूर से हम लोग भी गिर पड़े। अधिकारियों से आपने बात कही जाके? थाने में दो तीन बार एप्लीकेशन दिया, कोई शिकायत नहीं हुई, तीन दिन बच्चे से ऊपर नहीं जाते। धन्यवाद के गुप्ता अपने 24 से बांधा।